युग में मनुष्य भ्रम में होगा, भ्रमित कर देगा। इस भ्रम से निकलने का एक ही तरीका है, कुंडलिनी का जागरण। वो सब आपके अंदर जीवित है, उसको प्राप्त करना। जब तक आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में नहीं आएगा, तब तक आप समझ नहीं पाएगा। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र को छेदती है, तब क्या होता है कि आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। यानी ये तो समझ लीजिए परमात्मा का स्थान है और उसका प्रतिबिंब हृदय में। वो जो प्रतिबिंब हमारे हृदय में है, उसका प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है, माने हमारे नस नस में दौड़ने लग जाता है। जहाँ भी हम अटेंशन डालें, जहाँ भी हम चित्त दें, वहाँ आप जान सकते हैं क्या चीज़ है। यहाँ बैठे बिठे आप जान सकते हैं, किसी के बारे में भी आप जान सकते हैं, पर आप ये नहीं जानेंगे कि कपड़े क्या पहने हैं या वो क्या सोच रहे हैं, पर आप ये ज़रूर जान सकते हैं कि उसके चक्र कौन से खराब हैं। आत्मबोध भी होता है तो आप अपने बारे में भी जानते हैं कि मुझ में क्या खराब है। मोहम्मद साहब ने साफ कहा है, जब कियामत आएगा, जिस वक्त में रिजरेक्शन का टाइम आएगा, जिस समय में उत्क्रांति का समय आएगा या लास्ट जजमेंट का समय आएगा, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, उन्होंने साफ कहा। और हमारे शास्त्रों में तो परम चैतन्य की बात ही शुरू से की आखिर तक, कि इस परम चैतन्य को जानो, इस परम चैतन्य की शक्ति को अपनाओ, इससे ही सब कुछ होता है। लेकिन वो कैसे ये नहीं कहा, ये मैं मानती हूँ, इसीलिए हमें बताना है आपसे कि वो कोई मुश्किल काम नहीं। इसको प्राप्त कर लेना ये एक परम आद्य कर्तव्य हर एक मनुष्य का है, उससे महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं। क्योंकि अभी आप पूर्ण हैं और जिस वक्त आप आत्मा स्वरूप हो जाएंगे, आप संपूर्ण हो जाएंगे। सो आत्मा का स्वरूप ये है कि जब वो हमारे चित्त में आता है तो वो हमारे अंदर की सारे नसों में दौड़ता है और एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन हमारे अंदर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। दूसरा कौन, आप किसी के लिए भी महसूस कर सकते हैं ये कौन है, वो कौन है, किसी के लिए भी आप जान सकते हैं कि इनके अंदर कौन सा दोष है और हमारे अंदर कौन सा दोष है। और अगर आप ये जान लें कि इन दोषों को कैसे ठीक किया जाता है, बस इतना मात्र, तो आप दूसरों के भी दोष ठीक कर सकते हैं और अपने भी दोष ठीक कर सकते हैं। ये जो घटना है, इसकी ज़रूरी इसलिए है कि आप अब मेरे ओर ध्यान दे रहे हैं, मैं कहूँ अपने ओर ध्यान दीजिए, आप नहीं दे सकते। इसलिए ये अचानक घटना हो जाने से सारा चित्त अंदर की ओर दौड़ जाता है, और वो चित्त जो है वो ही प्रकाशित हो जाने से मनुष्य में एक नया आयाम सामूहिक चेतना का आ जाता है, जो पहले नहीं होता, वो बाद में आ जाता है। और यही सामूहिक चेतना से मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है। आजकल तो आप जानते हैं कि जेल से छूटे और सीधे काशाय वस्त्र पहन करके पहुंचते हैं जर्मनी में, और बिल्कुल बीच में चौक में बैठ करके और हज़ारों आदमी उनके आसपास घुमा करते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बोलता नहीं, वो तो और भी अच्छा, काशाय वस्त्र पहन लीजिए, बोलिए नहीं और जाके वहाँ बैठ जाइए। अब सब लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई हमें दीक्षा दीजिए। नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ठीक है, देना ही नहीं आता, खुद देंगे क्या, अभी जेल से छूट के वहाँ भागे हुए, 6 महीने बाद फिर चले आए जेल में। इस तरह के लोग जो आपको भुलावे में डालते हैं, उसे एक जान लेना चाहिए कि जिसमें आत्मा का प्रकाश होता है, वो आदमी खुद इतना चैतन्यमय होता है कि उसका एक कटाक्ष भी काफ़ी है कि वो आपको चेतनता में उतार, एक कटाक्ष उससे भी वो आपको चेतनता में डाल सकता है। किंतु यह आत्मा जो है शांत स्वरूप है, इसलिए जब ये आत्मा आपके चित्त में आता है तो आप उस शांति को प्राप्त कहते हैं, जिसको ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, शांति ची पई शांति, जो शांति का आधार शांति है,
उस शांति को आप प्राप्त करते हैं और वो शांति आपके अंदर है। चल विचल ये सब खत्म हो जाता है, संतुलन में उतर जाते हैं और उस शांति को आप जानते हैं। और उसके बाद आप हर चीज़ को एक ड्रामा की तरह से देखते हैं, एक आप साक्षी स्वरूपत्व आप में आ जाता है। आप देखते हैं किसी भी चीज़ को कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जबकि आप एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप में एक नया आयाम आ गया, और ये नया आयाम, नया डायमेंशन, इसे हम कहते हैं निर्विचार समाधि। पहले निर्विचार समाधि, जब कि आप निर्विचार हो जाते हैं, पर आप सोते नहीं, आप अभिभूत नहीं हुए, आप सोते नहीं, आप जागरूक हैं पर निर्विचार हैं। अब निर्विचार की बात कहें कि एक विचार आता है खत्म हो जाता है, दूसरा विचार आता है खत्म हो जाता है, एक आता है समझ लीजिए आपके भूतकाल से, पास से एक आता है, फ्यूचर से आता है, भविष्य से, दोनों ही आते हैं, एक बार आते हैं फिर जाते हैं, आप उसी के ऊपर नाचते रहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार थक जाते हैं, उसके बीच की जगह स्थापित हो जाती है, आप वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आप निर्विचार हैं, क्यों? वही सत्य है, वर्तमान सत्य है, उसमें आप बिल्कुल स्थापित हो जाते हैं और तब आप निर्विचार हो जाते हैं। और जब आपकी स्थिति और भी पक्की हो जाए तो आप निर्विकल्प समाधि में उतर जाते हैं, जिनका वर्णन पातंजल योग में बहुत विस्तार पूर्वक किया गया। इसी आत्मा के प्रकाश से आप सत्य को जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो ये चैतन्य बह रहा है, इसको आप किसी भी ओर मोड़ें, किसी भी प्रश्न की ओर मोड़ें, फौरन आप जान सकते हैं कि यह सत्य है या असत्य है। किसी किताब को देखें, किसी इंसान को देखें, किसी वस्तु के प्रति आपको आकर्षण हो, आप देखें, आप जान जाएं, आप जान जाएंगे कि ये सत्य है झूठ है। जैसे कोई वस्तु बनाई गई है, यह वस्तु अगर किसी संतों की बनाई हुई हो या किसी पहुंचे पुरुषों की बनाई हो या कोई स्वयंभू, तो उसमें से आपको चैतन्य आए। अब ये भी लोग मानने को तैयार नहीं कि अपने यहाँ स्वयंभू लोग, स्वयंभू जो संसार में हम लोग जो हर जगह मैंने देखा कि स्वयंभू है, ग्रीस में भी मैंने देखा कि स्वयंभू वहाँ बैठे हुए हैं। स्वयंभू माने जो पृथ्वी माता है, ये अपने अंदर से ही ऐसे पुंज निकालती है जो पत्थर बन करके और चैतन्य बहाते हैं। पर यह चीज़ आपको पहले महसूस ही नहीं होगी, आपके लिए कोई सी भी मंदिर हो उसमें चीकी मूर्ति है, किसमें स्वयंभू है और किसमें नहीं है ये आप समझ नहीं सकते। किसे एक रियलाइज सोल ने बनाया है, आत्मदर्शन के आदमी ने बनाया है या किसी एक दुष्ट ने बनाया, आपको पता नहीं होगा। एक बात थी, एक साहब ने मुझे बताया कि माँ हमने एक मंदिर बनाया है बहुत अच्छा इंदौर में, और ये उसका पिक्चर है, बताइए ये कैसे। मैंने देखते साहब कहा किसने बनाया, कहले एक बड़े अच्छे कलाकार। मैंने कहा बड़ा दुष्ट आदमी, इस दुष्ट आदमी ने बनाया है, आप इस मूर्ति को बिल्कुल नष्ट कर दीजिए। माना नहीं है। उसके बाद उन्हें एक महीने बाद बताया कि इस आदमी ने 3 मर्डर्स किए थे, अपने बाप को भी मार डाला था, वाइफ को भी मार डाला था और लड़की को भी मार डाला था। उस फोटो में दिखाई दिया एकदम जैसे कि जलन सी हाथ में आ रही थी और बड़ी बुरी तरह से एक अंदर से महसूस हो रहा था कि ये क्या है, ये कैसे हो सकती श्री राम की मूर्ति, हो ही नहीं सकती। तो जो स्वयंभू चीज़ है वो भी जानना, या कौन सी चीज़ सत्य है कौन सी नहीं। आपको एक बार बताऊँ, मैं कश्मीर गई थी, बहुत साल पहले की बात है, तो उस वक्त हम लोग ऐसे इधर उधर जा रहे थे मोटर में, इतने में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बड़ा चैतन्य आ रहा है कहीं से। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ कोई मंदिर है, कोई कुछ है? कहले यहाँ तो कोई मंदिर वंदिर नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही उजाड़ बस्ती है, विल्डरनेस है। अच्छा भाई, पर मैंने कहा अच्छा तुम इस रास्ते से ले लो, ज़रा उबड़ खाबड़ है। हम लोग उसी रास्ते से आगे गए तो वहाँ देखा बहुत मुसलमानों की बस्ती थी, बड़े गरीब लोग वहाँ थे। फिर मैंने पूछा उन लोगों से यहाँ कोई मंदिर है? नहीं, यहाँ इकबाल, हज़रत इकबाल है,
एक बाल मोहम्मद साहब का मैंने 5 मील दूरी पर पकड़ा, एक सिर्फ उनका बाल। लेकिन वो मुसलमान नहीं पकड़ सकते, हिंदू नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता। जब तक आप संत नहीं होंगे आप इसको पकड़ नहीं सकें। इसकी पकड़ तभी आएगी जब आप आत्मदर्शन पाएंगे, और इस आत्मदर्शन में सारे विश्व का मिलन बैठा हुआ, क्योंकि आप सारे ही धर्मों को जानते हैं, उसके समतत्व को जानते हैं। आप किससे लड़ेंगे जब आप सारे ही धर्मों को मानते हैं, तो कौन सा किसी से लड़ेगा? हम ये हैं, हम वो हैं, इस तरह से हमने अगर अपने धर्म अलग अलग कर लिए तो झगड़ा तो होना ही हुआ। कोई भी ठीक नहीं है। जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा तब तक हम समझ ही नहीं सकते। हर देश में मैंने देखा, हर प्रांत में मैंने देखा, बड़े बड़े संत साधु हुए। और बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। कुछ नहीं, ये सब पैसे बनाने के धंधे बन गए हैं। आप लोग नहीं जानते, वेटिकन जैसा बड़ा माना हुआ, हम लोगों ने हजारों रुपए खर्च किए जिसके लिए, उनकी अपनी बैंक है, और आप सबके जितने पैसे हैं वहीं जाते हैं, पहले फिर स्विट्जरलैंड जाते हैं। ये क्या धर्म है? गरीब लोगों के पैसे खींच करके वहाँ पर सब लोग भरते हैं और वहाँ से स्विट्जरलैंड पैसा कैश चला जाता है, इसीलिए पता नहीं चलता किसका पैसा कहाँ गया। ये धर्म के नाम पर, इसी तरह हिंदू धर्म में भी है, इसी तरह मुसलमानों में है, इसी तरह हर एक धर्म में यही आफत है, कौन से धर्म में नहीं। लेकिन जब आपके अंदर आत्मा का जागरण आ जाता है तो आप जानते हैं कि धर्म क्या है, तब आप समझ सकते हैं कि धर्म क्या है। उससे पहले जो भी धर्म को मानते हैं वो इसी तरह से कि हम उनसे अच्छे हैं, वो हमसे खराब हैं, बस ये झगड़े एक बार के लिए खत्म हो जाएंगे जिस दिन आप सब लोग आत्मदर्शन को प्राप्त करेंगे। एक नई दुनिया, एक नई जमात, एक नया रेस खड़ा होने वाला है, उसमें आपको सम्मिलित होना है और सबके साथ उस चीज़ का उपभोग लेना है जो आत्मा का तीसरा स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं आनंद।